आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सेवन के बारे में। और इस सवाल में बच्चों आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अमंग द फॉलोइंग विच इन्वॉल्व चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम, यानी जिस एटम को अंडरलाइन किया गया है क्या वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है तो आप उसे कंसीडर करिए, नहीं आ रहा है तो मत करिए। आइए अगर बेटा मैं वाटर की बात करूं तो हम सबको पता है वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा 2 लोन पेयर यानी sp3 है। H3O+ बेटा 1H+ लिया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा बच्चों sp3, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया है। आगे आते हैं अमोनिया bf3, बात bf3 के लिए की गई, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। लेकिन बच्चों जब NH3.BF3 बन जाता है तो क्या हम सबको ये पता है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डेटिव बॉन्ड के थ्रू क्या बोरॉन को पकड़ा देता है। और जो समझदार आदमी वो समझ जाएंगे कि इस डेटिव बॉन्ड की वजह से BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हो रही थी वो रुक जाती है। तो यहां पर के सब 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 यानी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे आंसर में आएगा। XeF6, ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। XeF5+ 5 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3d2। तो क्या आपको दिख रहा है ज़ेनॉन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, आंसर में लेंगे। PCl5 है और ये हम सबको पता है सॉलिड वाला केस है, इसलिए इसने ब्रेक किया PCl4+ और PCl6- में। आइए सर PCl5 में 5 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लेकिन PCl4+ में बच्चों 4 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3। साफ समझ में आ रहा है यहां से यहां जाते समय क्या फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, यानी आंसर में लेंगे। इधर आते हैं दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। CH3- में अगर हम बात करें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है दोस्त sp3, पिरामिडल शेप है, 3 सिग्मा 1 लोन, तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। कितने ऐसी स्पेशीज हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नजर आ रहा है, 1, 2, 3। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 3। बिल्कुल सिंगल सिंगल कंसेप्ट पर क्वेश्चंस हैं बच्चों, अगर आप करते हैं आपका सही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने नाम के साथ कि आपका मामला सही रहा है। थैंक यू बच्चों।